फ्रेंड्स और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, सुबह का वक्त हो रहा है, मतलब सुबह सुबह नहीं हो रही है, 10:15 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह सूर्यांश स्कूल निकल चुका है और मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह मैं उठी थी 6:30, सूर्यांश का लंच बनाया। सूर्यांश मुँह हाथ धो के गया, आज नहा के नहीं गया, वो लेट हो गया था इस वजह से नहा के नहीं गया। वैसे देखो डेली नहा के जाता है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं थोड़ा लेट गई थी। अब मेरी थोड़ा तबीयत में सही है फ्रेंड्स, तो फिर मैं अब आ जाती हूँ अपने रूटीन पर। और देखिए अभी मेरा झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और जो भी मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, फिर मैं आप लोगों से रूटीन शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग में सूर्यांश स्कूल चला गया था और मेरे हस्बैंड भी चले गए 9:30। तो आज है मंगलवार, तो पापा जी की छुट्टी है, पापा जी घर पर हैं और मम्मी जी की तबीयत अच्छे से ठीक नहीं है। और वेदांश नीचे बाबा के पास है, उसे मैंने नहला दिया था, वो उठा दूध पिया तो फिर वो फ्रेश होने गया था, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ उसे नहला देती हूँ। अब मैं आ जाऊँगी अपने रूटीन पर। सबसे पहले मैं बेड सही कर लूँगी। और ये बेड शीट क्या है, छोटी है बेड में, तो बच्चे बार बार कूदते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रूम गंदा कर देते हैं फ्रेंड्स। दिन में 2-3 सही करनी पड़ती है, फिर भी बच्चे मानते नहीं हैं। अब क्या करें, करना पड़ता है। तो मेरा बेड सही हो चुका है फ्रेंड्स, फिर मैं झाड़ू लगाने आ जाऊँगी। फ्रेंड्स, सूर्यांश सबसे पहले स्कूल जाता है तो मैं उससे पहले ही झाड़ू लगा देती हूँ। कभी कभी नहीं हो पाता है तो सूर्यांश स्कूल चला जाता है, उसके बाद भी झाड़ू लगाती हूँ। तो कैसे भी कर लेती हूँ, कभी पहले भी लगा लेती हूँ, कभी बाद में। तो मेरा रूम साफ हो चुका है, अब मैं लगाने आ जाऊँगी बरांडे में। और बच्चे लोग क्या करते हैं, सोफे रखे हैं, सोफे के पीछे साइड में एक गैप है, बिस्किट वगैरह चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी खाते हैं तो डस्टबिन में नहीं फेंकते, डायरेक्ट उसके अंदर ही डालते हैं। और इतना जब जाके मैं सोफे हटाती हूँ, जब जाके इतना कूड़ा निकलता है, बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है। झाड़ू मेरा लग चुका है, अब मैं हाथ के हाथ पोछा लगा लूँगी फ्रेंड्स, जल्दी से पोछा भी लगा लूँगी। ए भगवान, इतनी बड़ी गलती हो गई फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बताती हूँ। आज नागपंचमी है तो मम्मी को भी कुछ याद नहीं रहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कल शाम को ही वो दवा लेके आई हैं, ना मुझे याद है। अब जाके मैंने वीडियो में देखा है, यूट्यूब पर देखा, जब जाके मुझे मालूम पड़ा है नागपंचमी है। तो देखिए इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, एक साल में एक त्यौहार आता है तो वो हमें अच्छे से याद रखना चाहिए, ना मम्मी को याद रहे ना मुझे याद रहे, किसी को भी नहीं रहा दोनों में से। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा पोछा लग चुका है, अब मैं सीढ़ियाँ ही पोछ लूँगी। सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि ऊपर ही बाथरूम है मेरा, तो ऊपर से नहाना धोना जब भी बच्चे आते हैं तो वही गीले गीले पैरों से आ जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कल मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, कल तीसरा सोमवार था सावन का, तो मैंने कल कुछ भी नहीं करा। इससे पहले 2 सोमवार का मैंने डाला है, तो मेरा कल दिमाग सही नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं शूट करा फ्रेंड्स। बोलते हैं ना, अपना दिमाग सही हो तो अंदर से भी मन करता है, जब अंदर से दिमाग ही सही नहीं होता है तो हमारा कुछ भी ना खाने को ना कुछ भी करने को मन नहीं करता है। तो रात को मैंने किचन साफ़ नहीं करी थी, तो मैं अब साफ़ कर लूँगी फ्रेंड्स, गीले कपड़े से। अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना है, तो इससे पहले मैं किचन साफ़ कर लूँगी। बर्तन भी मैंने रैक में लगा दिए हैं फ्रेंड्स, तो अभी मेरे को फ्रीज़ भी साफ़ करनी है। देखिए फ्रीज़ के ऊपर जो कपड़ा है वो भी धुलने डाल दूँगी, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और मैं फ्रीज़ भी साफ़ कर लूँगी फ्रेंड्स, अभी तो साफ़ करी थी, फिर भी एक दो हफ्ते में एक बार हाथ मार लेना चाहिए, फिर भी साफ़ रहती है। तो देखिए अच्छे से बॉटल वगैरह निकाल के सब मैं साफ़ कर लूँगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन हो जाए फ्रीज़ को साफ़ नहीं करो तो कुछ स्मेल सी आने लगती है। और हम फ्रीज़ में कोई भी मतलब गुआवा एप्पल वगैरह कुछ भी रख दें उसमें तो बहुत ज़्यादा पूरे पानी में स्मेल, हर चीज़ में स्मेल हो जाती है, खाना रखा हो उसमें खाने में भी हो जाती है। तो ये चीज़ तो भूल के भी ना रखो फ्रीज़ में, ऊपर डलिया में रखो। तो मैं पहले रख देती थी, अब नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि पापा जी और ये अमरूद नहीं खाते, तो अमरूद से कुछ ज़्यादा ही नफरत करते हैं, तो मैं इनकी वजह से नहीं रखती हूँ। फिर ये लोग चिल्लाते हैं किस चीज़ की बदबू आ रही है। तो देखिए मेरे अच्छे से फ्रीज भी साफ़ हो गई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, फ्रीज साफ़ हो गई है, अब मैं बर्तन साफ़ करने आ जाऊँगी। बर्तन साफ़ करके तुरंत मैं नहाने चली गई थी, नहाते समय कुछ कपड़े धोए थे तो वो मैं सुखा लूँगी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, एक दो हफ्ते हो गए थे तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, अब 2-3 हुए जब से कोई बारिश नहीं पड़ रही है,
मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, वैसे बारिश नहीं पड़ रही है, और वो गर्मी भी वैसी जो पहले वाली गर्मी थी वो भी स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स। तो देखिए मैं सारे कपड़े सुखा लूँगी, डेली के मैं एक बाल्टी आधी बाल्टी कभी कभी एक बाल्टी से ऊपर बहुत डेली कपड़े धोती हूँ। अब देखिए सूर्यांश ने ही 3-4 शर्ट बिगाड़ी है कल, एक ट्यूशन गया जब, और ऐसे ही कर करके बिगाड़ता है। वेदांश भी बिगाड़ता है, वेदांश भी कम नहीं है, वेदांश भी 2-3 शर्ट टी शर्ट्स ऐसे बिगाड़ता है। तो दोनों बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं फ्रेंड्स। कपड़े मेरे सूख चुके थे तो सूर्यवान जी को मैं पानी भी चढ़ा लूँगी, फिर मैं चलती हूँ किचन में। सूर्यांशु सुबह पराठा दे दिया था लंच में, अब मैं बना रही हूँ जीरा राइस। सूर्यांशु जीरा राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तुरंत खाना ही बना रही थी, जब जाके सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो मेरे पे लाइन लगाना आता सिलेंडर, तो मम्मी जी नीचे से लगाना आती हैं, तो मम्मी जी सिलेंडर लगा लेंगी फ्रेंड्स। तो मैं राइस की तैयारी कर रही हूँ, अभी 12 बज रहे हैं तो सूर्यांश साहब वो 1 बजे आएगा स्कूल से, जब तक मैं बना लूँगी और मैं भी खा लूँगी। मेरा भी मन कर रहा था कुछ चटपटा खाऊं, तो बच्चों की वजह से मिर्ची नहीं डालूँगी, ऊपर से मसाला डाल के खा लूँगी फ्रेंड्स। देखिए कुकर गरम करने रख दिया है, तो मैंने टमाटर और प्याज ले ली है, और कुछ नहीं लूँगी, बच्चे हरी मिर्च नहीं खाएंगे, और एक आलू ले लिया फ्रेंड्स, आलू कुछ ज़्यादा ही पसंद है सूर्यांश और वेदांश को। तो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल लूँगी लौंग, 4 लौंग डालूँगी, इससे बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाएगा और हल्की की मिर्ची का फ्लेवर भी आ जाएगा। फिर जीरा डाल लूँगी फ्रेंड्स, और जीरा अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर मैं इसमें प्याज डाल लूँगी, प्याज अच्छे से भुन जाएगी, फिर मैं इसमें डालूँगी फ्रेंड्स टमाटर आलू। तो देखिए मैंने अच्छे से छौंक फ्रेंड्स, जीरा राइस मेरे बनके तैयार हैं, देखिए आप लोग भी खा लीजिए। तो बारिश का मौसम हो रहा था, कभी धूप कभी छाया ऐसी चल रही थी, तो मैं सारे कपड़े उतारने आ जाऊंगी, सारे कपड़े उतार लूंगी। फ्रेंड्स रूम कैसा करके रखा है बच्चों ने, तो वेदांश बोतल का दूध मांग रहा था, मैंने वेदांश को दूध दे दिया है। दूध पीने के बाद वेदांश ट्यूशन का काम कर रहा था, तो ए फॉर एप्पल बना रहा है, फिर 4 बजे से ट्यूशन भी जाना है। तो अब तो बोलता है मम्मा काम करा दो नहीं तो मैम मारेंगी, पहले से पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने बोला चलो मैं ट्यूशन छोड़ जाती हूँ, तो बोला नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा आप घर पर ही रहो। तो अब तो खुश होके जा रहा है, देखिए रो रहा नहीं है कुछ भी नहीं, तो पहले तो रोना चालू हो जाता था। तो वेदांश को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था, तो मेरे को सिलाई करने को कुछ डाला था, तो मैं सिलाई वाले के पास आ गई थी, पड़ोस में वेदांश नीचे ट्यूशन पढ़ रहा है, मैं वो ऊपर हैं फ्रेंड्स। ये देखो उसका बेटा है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स जरूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।